हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू इजी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बाय पूजा जोशी. सो हियर वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद द थर्ड वीडियो, थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द स्नेक एंड द मिरर, लेसन नंबर 5, स्टैंडर्ड 9th, बी हाइव NCERT बुक. सो ऑलरेडी यू मस्ट हैव सीन माय फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो पोस्टेड ऑन द यूट्यूब चैनल, माई चैनल, योर चैनल, द ईजी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए. योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड अप्रिशिएबल फॉर मी. सो प्लीज़ डू गिव कमेंट्स एंड इफ यू लाइक देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज एज फार एज पॉसिबल. सो इफ यू गिव द कमेंट्स आई विल बी एबल टू मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ एंड यू विल गेट टू नो बेटर ईजीएस्ट लर्निंग ऑफ इंग्लिश, बेटर अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज एट द सेम टाइम. एक ही बार में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों अच्छे से एक्सप्लेनेशन एकदम कम समय के अंदर ईजीली मिल सकते हैं आपको. तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे आप एक स्नेक देख रहे हैं और स्नेक अपने आप को मिरर में देख रहा है और स्नेक बैठा है एक टेबल पे. सो लेट मी टेल यू इन शॉर्ट, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि वी हैव सीन दैट देर वॉज अ होम्योपैथिक डॉक्टर who was living in a rented house and his house was not electrified, his practice was not good, he was a newly practitioner doctor, he was not able to sleep because it was a hot summer day and he was not feeling sleepy. He had a meal at night outside in the restaurant and he came back, he was trying to sleep. He made very important earth-shaking decisions that he will grow a thin mustache and he will keep an attractive smile on his face. He will always keep his shave clean. He will clean shave every day and he will look handsome. The girls' alliances for marriage will approach him and he'll marry to a fat doctor who will be very rich, as well as she will be not able to run after me if he commits any mistake. तो अब मैं आपको फिर से ये सब हिंदी में शॉर्ट में बता देती हूँ. यहाँ पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो कि स्नेक के बारे में एक एनकाउंटर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं. वह डॉक्टर एक छोटे से भाड़े के किराए के कमरे में रहते थे, जो कमरे में बिजली की भी उपलब्धि या बिजली की भी सहूलियत नहीं थी, बिजली की सेवा नहीं थी. तो उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी. वह गर्मी में रात को 10 बजे खाना खा के बाहर से कहीं से आए थे. उनके कमरे में सामान के नाम पर एक टेबल, एक मिरर, एक छोटी सी कंघी कोम जो यहाँ आप देख सकते हैं, और एक उनका बैग था जिसमें कुछ बहुत कम कपड़े थे, और एक काला कोट था जो इस वक्त उन्होंने पहना हुआ था. और वह इधर से उधर राउंड मारते हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है. फिर अपने बारे में सोचते हैं कि मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा कि जो एक मोटी भी हो और डॉक्टर भी, और जिसके पास खूब पैसे और जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही हो, ताकि पैसों की भी कमी ना पड़े और वो मोटी हो. उसे ये फ़ायदा रहेगा कि जब भी डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो जब डॉक्टर भागे तो वो उन्हें पीछे भागकर पकड़ ना पाए. तो अभी डॉक्टर बैठते हैं फिर से एक बार टेबल पे, और यहाँ पे धीरे से ऊपर से कुछ आवाज़ आती है. तो पहले तो डॉक्टर को आवाज़ों से ये लगता है कि ऊपर जो चूहे रोज़ आवाज़ कर रहे हैं, द रैट्स विच आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज़, सो दे आर मेकिंग नॉइज़ टुडे ऑल्सो, सो ही इज़ नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन, ही डज नॉट पे दैट मच अटेंशन. बट देन अ रबर ट्यूब टाइप समथिंग फॉल्स ऑन हिज शोल्डर एंड दैट इज़ नन अदर देन अ स्नेक. सो लेट्स सी अहेड, चलिए देखते हैं आगे कि स्नेक जैसे ही उनके शोल्डर पे लैंड करता है तो क्या होता है. उसके बाद वह बहुत ही घबरा जाते हैं, लेकिन वो बाहर से पत्थर हो जाते हैं पर दिखाते नहीं हैं. तो जैसे ही वो मुड़ते हैं देखने के लिए कि क्या गिरा है, तो स्नेक उनके शोल्डर पे आ जाता है और धीरे धीरे उनके आर्म को पकड़ लेता है. लेट्स सी दिस फ्रॉम द 7th नंबर पैराग्राफ. आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसके साथ ही आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन प्लस वर्ड टू वर्ड मीनिंग हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. आई डिडंट जम्प, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग. द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबाउट द एल्बो.
The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Okay. Here, I didn't jump. I didn't tremble. जैसे ही स्नेक उनके ऊपर आया, वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे और हिल पा भी नहीं रहे थे और समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करें. वो ट्रेम्बल, वो हिल भी नहीं रहे थे, वो शेक भी नहीं हो रहे थे. और ही डिड नॉट ट्रेम्बल, ही डिड नॉट क्राई आउट, वह ज़ोर से रोए भी नहीं. देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग. ही हैड टू टेक ऑल द डिसीजंस फास्टली इन हिज माइंड. द स्नेक स्लिदर्ड. स्लिदर्ड मीन्स जैसे स्नेक रेंगता है, फिसलता है. स्लिदर्ड मीन्स फिसलना या इधर स्नेक के रिलेटेड रेंगना. रेंगना दैट इज स्मूथली मूव अलॉन्ग द शोल्डर एंड कॉइल्ड. कॉइल्ड मीन्स लाइक दिस. हैव यू सीन द मॉस्किटो कॉइल्स विच आर लाइक दिस. कॉइल्ड अराउंड द आर्म, लेफ्ट आर्म. राइटर की डाबी बाजू में वो कॉइल हो गया. जैसे उनकी डाबी बाजू थी, डाबी मीन्स जो लेफ्ट, जो बाई ओर की बाजू थी, उसमें ऐसे स्नेक कॉइल हो गया. और कॉइल होके राइटर के सामने, उनके राइटर के फेस के मुंह के सामने उसका हुड स्प्रेड हो गया ऐसे. और वह सिर्फ उनके, उनसे सिर्फ 3 to 4 inches दूर था. जैसे उसने राइटर की बाह को कॉइल किया, ऐसे बाएं दाई बाएं के साथ उन्होंने ऐसे कॉइल किया स्नेक ने. और स्नेक का सिर राइटर से बहुत ही पास में था. सिर्फ 3 to 4 inch डिस्टेंस था ये बीच में राइटर के फेस के पास और राइटर के फेस और सांप के मुंह के बीच में 3 to 4 inches डिस्टेंस था. मीन्स उन्हें स्नेक कभी भी काट सकता था. द राइटर्स फेस एंड द स्नेक्स हुड. हुड यानी कि जो स्नेक का जो सर का पार्ट होता है, जो हुड होता है उसमें, और राइटर के हेड में, फेस में सिर्फ 3 to 4 inches का डिस्टेंस था. देयर वॉज ओनली 3 to 4 inches डिस्टेंस बिटवीन स्नेक्स हुड एंड राइटर्स हेड. And it was coiled tightly around the left arm of the writer. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. So it is not correct that writer says that I was simply sitting there and I was not scared and I didn't have my problem. He did not just sit there holding his breath. Holding his breath means not moving and जैसे सांस रोक के बैठा है, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ वो सांस रोक के बैठा है. Merely means only, सिर्फ. But he was turned to stone. राइटर एक स्टोन की तरह हो चुका था. बाहर से एकदम पत्थर, बिल्कुल हिल नहीं रहा था. वो हिल सकता भी नहीं था क्योंकि उसकी ज़रा सी हरकत पे, ज़रा से हिलने पे स्नेक शायद उसे काट सकता था. ही थॉट, हिज माइंड वॉज वेरी एक्टिव. ही वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड ईच एंड एवरीथिंग दैट वेयर डिड द स्नेक मे हैव कम फ्रॉम. ये स्नेक कहाँ से आया होगा. तो डोर बाहर अंधेरे में खुलता था. द डोर ओपन इन टू डार्कनेस. एज वी नो देर इज नॉ इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस ऑल्सो. इन द लाइट ऑफ द लैम्प ही वॉज ओनली सिटिंग देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. फ्लैश यानी मास, द मास पोर्शन ऑफ द बॉडी. ओके, फ्लैश. और वो एक पत्थर की मूर्ति जिसके मांस के ऊपर, जो जैसे एक पत्थर की मूर्ति हो वैसे वह दिए की रोशनी में बैठे हुए थे. रूम में सिर्फ रोशनी के नाम पर एकमात्र दिया था. देर वॉज ओनली वन लैम्प. इन द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ही हैड ओनली वन लैम्प एंड ही वॉज जस्ट सिटिंग देयर लाइक ही वॉज अ स्टोन. ही हैड फ्लैश फ्रॉम इनसाइड. अंदर से इंसान की तरह उनमें मांस था पर ऊपर से वह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति लग रहे थे. Now number 8 paragraph. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, Oh God.
Oh God. Writer then remembered the great presence of the creator of this world. Creator of this world मतलब जिसने दुनिया बनाई, यानी कि भगवान, God. God was there. He felt that God is there everywhere, so God will be there. And he thought, give some words. If I speak some words, maybe God did not like that words. So he will try that not to speak any word that God did not like. उसने सोचा कि उसके मुँह से कुछ भी ऐसा निकले और भगवान को शायद अच्छा ना लगे. उसे लगा कि यहाँ पर भगवान ज़रूर होने चाहिए. तो उसने अपनी इमेजिनेशन में अपने दिल के बाहर वर्ड्स लिखना चालू किया. जैसे वो इमेजिनेशन में ही ऐसे उसने सोचा कि वो वर्ड्स लिख रहा है ओ गॉड. लिख तो वो पा नहीं रहा था, पर वो सोच रहा था कि मैंने ये वर्ड्स लिखे अपने इमेजिनेशन में. सो ही रोट द वर्ड्स ओ गॉड आउटसाइड हिज लिटिल हार्ट इन द इमेजिनेशन. मतलब वह भगवान से मदद करने की उम्मीद कर रहा था. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? Means there was pain in his left arm. Why the pain was there? Yes, because in the left arm, the snake was coiled. In his left arm like this something, and it was powerfully crushing the arms as it was going tighter. So his arm was beginning to feel all drained of strength. There was no energy or strength or power in his arm left, and he felt that somebody is crushing my left arm, and it is a thick leaden rod. The snake was a like a snake किसकी तरह था, एक thick, एक मोटे से लीड के डंडे की तरह, एक rod की तरह था. उसे ऐसा लग रहा था जो डंडा उसका कस के उसका हाथ तोड़ रहा था. उसके हाथ में कोई भी ताकत नहीं बची थी. ऐसे लग रहा था जैसे उससे उसकी हाथ की ताकत कोई खींचे जा रहा हो, जैसे स्नेक क्रश कर रहा था उसका आर्म. A rod made of molten fire, पिघली हुई आग की तरह, molten, melted fire की तरह एक rod बना हुआ है जो गरम गरम है, और उससे उसकी हाथ की सारी ताकत जा रही थी. So let's see ahead. At number 9 paragraph, at my slightest moment the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. He thought, okay, at the slightest moment, if I move slightly, even the least, if I move, the snake would bite me. It is possible that the snake would sting me. Death lurked. Lurked means death is waiting. It's just ready in the corner and it's only 4 inches away. What was death here? Yeah, death कौन से रूप में थी? Snake के रूप में. Death उनसे उनकी राह ही देख रही थी, तैयार थी उन्हें मारने के लिए. और death कौन था यहाँ पे? Snake. वो सिर्फ 4 inches दूर थी. And suppose he thought के if the snake would struck me, then which medicine will I take? Because I had no medicines with me. I was but a poor, foolish and stupid doctor. Okay, I have kept no medicines with me in my room. I am a foolish doctor. I am a poor and stupid doctor. I forgot all my danger that I am sitting with a snake in my arm, and doctor started smiling feebly. Feebly means weakly at himself. Okay. Yes. डॉक्टर सोच रहा था कि अगर स्नेक मैं ज़रा सा भी लूँगा तो स्नेक मुझे काट सकता था. मेरी मौत मेरे मुझसे सिर्फ 4 इंच दूर थी. और अगर मुझे सांप ने काट भी लिया तो ऐसी कौन सी दवाई हो सकती थी कि जो मैं ले सकता था.
मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए थी, पर बात तो ये थी कि मेरे रूम में कोई दवाइयाँ नहीं थी। मैं एक फूलिश स्टूपिड, मैं एक मूर्ख डॉक्टर था, गरीब मूर्ख डॉक्टर था, जो जिसे बुद्धि ना हो, क्योंकि उसने दवाइयाँ भी नहीं रखी थी अपने रूम में, तो वो कौन सी दवाई ले सकता था अगर उसे सांप ने काट लिया। तो ये सब सोच के वह खतरे के बारे में थोड़ी देर भूल जाता है, भूल गया, और उस अपने ऊपर ही हंसने लगा, मतलब अपना मजाक उड़ाने लगा। सो वील मीट अगेन इन द सेकेंड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। सो टेक प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड हार्टी। सो फॉर द टाइम बींग, सी यू, वील मीट अगेन सून इन द नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो बाय बाय फॉर द टाइम बींग।